Hi everyone, press the bell icon for latest updates and subscribe to the channel. सो हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त जफर इकबाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जफर स्टूडियो में, जहां पर कॉन्सेप्ट और डिमांड आपकी होती है और फोटो एडिटिंग मेरी। तो दोस्तों, आज की जो फोटो एडिटिंग है ये नाइट रेन के ऊपर है और यहां पर मैंने NSB पिक्चर यानी नीरज भाई का फोटो यूज़ किया, क्योंकि ये फोटो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसी वजह से मैंने इस फोटो का यूज़ किया है। और इसके साथ साथ आप लोगों का एक नया कमेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोगों ने एक कमेंट किया है कि भाई आपकी जो एडिटिंग है वो पिक्सी प्रो में करो। तो पिक्सी प्रो मैंने 3 साल पहले यूज़ किया था, मुझे लगता है उसका इंटरफेस आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड लगेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं। बट अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसके ऊपर एडिटिंग का जो रिक्वेस्ट है वो ज़रूर पूरा करूँगा। और अगर आप ये लोग फोटो एडिटिंग करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना ना भूलें, @ZafarStudio के नाम से। और ये जो बैकग्राउंड और PNG में जो देता हूँ, इसको डाउनलोड करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है किस तरह से डाउनलोड करते हैं, तो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लें, और जिनको पता है वो वीडियो को 3 मिनट पर स्किप कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो दोस्तों, बैकग्राउंड और PNG डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मेरा कोई भी एक वीडियो ओपन कर लें, उसके बाद यहाँ पर एक एरो होगा, इस एरो पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा डाउनलोड बैकग्राउंड इन PNG, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे GP लिंक भी लिखा होगा। इसके बाद आपको एक ब्राउज़र चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपना मन पसंदीदा ब्राउज़र ओपन कर लें। इसके बाद यहाँ पर लिखा होगा वेरीफाई, तो सबसे पहले वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले एकदम नीचे चले जाएंगे, वहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा, वहाँ पर आपको एक क्लिक करना है I am not a robot, और यहाँ देखिए छोटा ब्लू कलर का कंटिन्यू होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या होगा, एक और नया पेज खुलेगा, सबसे नीचे जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके, वहाँ पर आप देखिए एक 15 सेकंड का टाइमर होगा और प्लीज़ वेट लिखा होगा, तो आप 15 सेकंड तक वेट कीजिए, प्लीज़ वेट आएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। तो ये रहा गेट लिंक, क्लिक करते ही आपको दूसरा पेज जो है वो ओपन करना है, पहला नहीं। तो देखिए ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, यहाँ पर मेरा एक ब्लॉग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ डाउनलोड बैकग्राउंड इन PNG पे क्लिक कर देना है, एकदम नॉर्मल सा चीज़ है, आई होप आप सभी कर लेंगे इसे। इसके बाद आपको कोई भी एक बैकग्राउंड, जैसे यहाँ पर है, मैं ये बैकग्राउंड चूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये बैकग्राउंड मैंने चूज़ कर लिया, डाउनलोड पे क्लिक किया और ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये ओपन कर देता हूँ। तो देखिए बहुत ईजी से डाउनलोड हो गई, अब स्टार्ट करते हैं एडिटिंग। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, डाउनलोड करने का तरीका आपको पता चल ही गया होगा। इसके बाद हमें जाना है ऐड फोटो में और यहाँ से हमें अपना मॉडल चूज़ कर लेना है, तो ये रहा नीरज भाई का फोटो है। और हमें इसे क्या करना है कि अगर आपको बैकग्राउंड फुल HD में इरेज करना आता है तो अच्छी बात है, वरना इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना कर रखा है, आप उसे देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद हमें जाना है एडजस्टमेंट में और यहाँ पर मैं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ ताकि मैं अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर लूँ, ये आप अपने डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फ़ोटो यूज़ करें। इसके बाद हमें जाना है फिर से ऐड फोटो में और यहाँ से हमें क्या करना है, एक अम्ब्रेला का फ़ोटो चूज़ कर लेना है। तो ये रहा हमारा अम्ब्रेला, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ अच्छे से रिसाइज करके। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ब्लेंड ऑप्शन चेंज करना है, तो ब्लेंड मैं कर दूंगा स्क्रीन पे। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा और डायनेमिक लुक लग रहा है, अब मैं इसे अच्छे से सेट कर लेता हूँ। और हाँ, मैं बहुत सारे लोगों की फ़ोटो यूज़ करता हूँ फ़ोटो एडिटिंग के लिए, एंड आई होप सो आप लोगों को एडिटिंग से मतलब होगी, मॉडल से नहीं। इसके बाद हमें जाना है फिर से ऐड फोटो में और यहाँ से हमें मिल जाएगा एक हैंडल, यानी कि एक अम्ब्रेला का हैंडल। तो देखिए मैं इसको लंबा कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे दोनों हाथों से रिसाइज कर लूँगा और हाथ के पास अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा। पहले हमें एडजस्ट करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इरेज़र में जाना है। तो ये रहा एडजस्टमेंट, अब इरेज़र में जाऊँगा और इसको मैं क्या करता हूँ, स्विच कर देता हूँ, स्विच करके बस सीधा पेंट कर दूँगा यहाँ पर। तो देखिए ये वाले हिस्से पर मैंने अच्छे से पेंट कर दिया और मैं एक इस पार्ट्स को इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए मैंने इरेज कर लिया, अब मैं इसे डन करता हूँ, बट यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, मैं इसको क्या करूँगा, मर्ज डाउन कर दूँगा, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक बार करना है। देखिए मैंने ज़्यादा कर दिया था, सिर्फ हमें अम्ब्रेला के पीछे चाहिए था। इसके बाद फिर से ऐड फोटो में जाऊँगा और यहाँ पर जो हैंडल पकड़ा जाता है मैं उसे ले लूँगा। तो ये रहा
इस जगह पे मैं इसे सेट करूँगा। तो बोलोगे जफर भाई आप इतना सारा PNGs क्यों यूज़ करते हो। भाई मैनिपुलेशन का मतलब ही होता है बहुत सारे फ़ोटोज़ को एक साथ कंबाइन करके कुछ नया बनाना। तो ये रहा, अब मैं इसे सेट कर लूँगा और इसके बाद फिर से इरेजर में जाके एक्स्ट्रा जो पार्ट्स है जैसे कि हाथ के पीछे लगना चाहिए तो मैं इसे यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए इरेज करने का तरीका, हार्डनेस मैंने हार्ड कर दिया, ओके मतलब 100% कर दिया, जिससे क्या होगा कि मेरा परफेक्ट कटिंग होगा। तो मैं इसको अच्छे से इरेज कर लेता हूँ। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मैं नए नए कॉन्सेप्ट जो है जो यूट्यूब पर नहीं आते वो भी मैं वहाँ पर डालता हूँ। तो अगर आप लोगों को वो पसंद आता है और उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप वहाँ पर मुझे बोल सकते हैं। तो ये देखिए ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है, अब हमें क्या करना है फिर से हमें यहाँ पर इसे डन कर देना है। तो अब देखिए ये मैंने इतना सारा चीज़ करने के बाद डन किया, इसके बाद हमें जाना है ऐड फोटो में और हमें फिर से वही बैकग्राउंड को चूज़ कर लेना है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसका ब्लेंड मोड फिर से स्क्रीन कर दूंगा और मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। बड़ा करने के बाद कोई एक या दो जहाँ से आपको बारिश का जो बूंद है वो यहाँ पर सेट करना है, तो आप कैसे भी करके इसको सेट कर लीजिए, आपको जो भी पसंद आए। मैं यहाँ वहाँ घुमाकर कर लेता हूँ, आई थिंक कौन सा बेटर होगा। इस तरह से किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को आप सेट कर लीजिए और एक्स्ट्रा पार्ट्स को इरेज कर लीजिए, जिसे ऐसा लगेगा कि बारिश का बूंद पीछे तो आ रहा है लेकिन कैमरे के सामने एकदम ड्रॉप के पास आ रहा है, ओके। तो इससे थोड़ा सा रियलिटी वाला इफेक्ट आ जाता है। तो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट्स को इरेज कर दिया, देखिए ये इससे आई थिंक थोड़ा सा और बड़ा होगा, बड़ा करता हूँ, ये बड़ा हो गया, ओके मैंने ऐसे सेट कर दिया। अब ये हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसे ड्रॉ टूल में जाकर इसे सेव कर लेता हूँ और कोशिश करूँगा नेक्स्ट एडिटिंग जो है वो पिक्सी प्रो में लाऊँ ताकि आप लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिले। अब हमें क्या करना है, लाइट रूम ओपन करना है और उसका थोड़ा सा कलर करेक्शन करना है। तो ये रहा हमारा लाइट रूम, यहाँ पर मैंने फ़ोटो ओपन कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है लाइट में हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम कर लेंगे, हाईलाइट जो है थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि यहाँ हाईलाइट की ही ज़रूरत है, शेडो जो है थोड़ा सा बढ़ेगा नहीं घटा लेते हैं, -11% रखा, वाइट थोड़ा सा बढ़ेगा और ब्लैक्स को कम कर देंगे। लाइट कलर में आते हैं, कलर में विब्रेंस बढ़ा लेंगे और सैचुरेशन को भी बढ़ा लेंगे। मिक्स में चलते हैं, मिक्स में यहाँ एरो चूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं क्या करूँगा जो चेहरे का कलर है फेस का उसका जो सैचुरेशन है उसको कम कर देता हूँ। और ये जो ऊपर में एक टोन देख रहे होंगे आप, ह्यू में चलते हैं, ये जो ब्लू टोन है ना ऊपर में, मैं उसको, ये क्या हो रहा है यार, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ टच ही नहीं हो पा रहा है, नीचे मैं करता हूँ, ओके नीचे में हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा पर्पल और ब्लू के कॉम्बिनेशन में कर देता हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छा और अमेजिंग इफ़ेक्ट आ चुका है। अब हमें जाना है इफ़ेक्ट में, क्लैरिटी बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, आई थिंक 26, हाँ DS बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद चलते हैं शार्पनेस में, शार्पनेस यहाँ पर बढ़ा लेंगे 50%, और यहाँ पर हमें रेडियस बढ़ा लेना है 1.20 के पास, और नॉइस रिडक्शन बढ़ेगा थोड़ा सा 1920 करते हैं, 21 हो गया कोई बात नहीं, और नॉइस रिडक्शन 18% हुआ, इट्स ओके। तो ये देखिए फ़ोटो एडिटिंग पहले ऐसी दिख रही थी और अब ऐसी दिख रही है, बिल्कुल हल्का सा चेंजेस आया लेकिन काफ़ी उससे फ़र्क पड़ा है हमारे फ़ोटो के ऊपर, कलर में काफ़ी चेंजेस हो चुका है और क्वालिटी भी चेंज हो गई है। अब इस फ़ोटो एडिटिंग को सेव कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये फ़ोटो एडिटिंग अच्छी लगी होगी और रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।